नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण महीने की शुरुआत हो गई, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और मैं इस महीने में सावन के विषय में बहुत कुछ बताती रहूंगी आपको। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सावन के महीने में अगर हम प्रतिदिन, वैसे तो हर प्रत्येक सोमवार भी आप पूजा करते हैं तो बहुत फल मिलते हैं। देखिए, सावन के महीने में अगर प्रतिदिन अभिषेक किया जाए भोलेनाथ का, तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिनकी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनको सावन के समय में ही कुछ उसके उपचार बताए, उन्होंने मंत्र जाप किए, अभिषेक किए और उनको जो उनकी मनोकामनाएं थी पूरी हुई। वो आज भी हमसे जुड़े हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर प्रतिदिन अभिषेक किया जाए भोलेनाथ का, तो आप सोचते होंगे कि प्रतिदिन अभिषेक कैसे किया जाए। डेली मंदिर जाना, अभिषेक करना, ये जितनी बिजी लाइफ है उसमें संभव नहीं है। तो मैं कहूँगी, देखिए कहा जाता है कि आप अंगूठे से छोटा शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। अब उसमें मैं बताना चाहूँगी कि आप पारस का शिवलिंग अगर रखेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो पारस का शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। घी, दूध, दही, शहद, चंदन, बेलपत्री या सब सामान, आप वो चीज़ें रखिए और आप उनको छोटे से बर्तन में रख के रोज़ अभिषेक कर सकते हैं अपने मन से। तो ये बहुत कम टाइम में हो भी जाएगा और आपकी इतने दिनों की, महीने भर की पूजा भी पूरी हो जाएगी। मैं तो काफ़ी सालों से कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले मंदिर जाकर किया करती थी, इस बार संभव नहीं था तो मैं भी पारस के शिवलिंग को घर में ही अभिषेक कर रही हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी और अच्छा फील हो रहा है। आज पहला दिन मेरी शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी गाइडेंस दूँ, बताऊँ कि अगर आप भी पारस का शिवलिंग घर में ले आएँ और उनका अभिषेक करें रोज़, तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी परेशानियाँ, देखिए सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके कामों में बहुत रुकावट आ रही है और आप पर कोई निगेटिविटी का असर है, लोग नज़र लगा रहे हैं या हो सकता है किसी ने आप पर तंत्र मंत्र का प्रहार किया हो, तो ये सबसे पहले तो तंत्र मंत्र की चीजों को काटता है। पारक का शिवलिंग साक्षात शिव जी से संबंध रखता है। सावन में इस शिवलिंग की पूजा करने से सही प्रकार से अगर कहा जाए तो तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव को एक काट देता है, ऐसी मान्यता, ऐसी माना जाता है। ऐसी धारणा भी है कि जो भी भक्त पारस के शिवलिंग की पूजा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी कि आप लोग भी ज़रूर शिवलिंग की पूजा कीजिए और पारस का शिवलिंग अपने घर पर ले आइए। तो जो पारस का शिवलिंग है वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैं तो ये नहीं करती हूँ, मेरी एक मित्र हैं शादी शुक्ला जी, मैं उनका नंबर यहाँ पर शेयर कर दूंगी आप लोगों को। तो आप अगर चाहेंगे, जिसको भी चाहिए वो उनसे मंगवा लीजिए और सावन भर, जैसे अभी आज तो एक दिन निकल गया, आप मंगवा लीजिए। सोमवार सोमवार भी अगर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पारस के शिवलिंग के बारे में मैं आपको जानकारियां दे रही थी, तो अब बताती हूँ कि इनकी पूजा कैसे की जाती है पारस के शिवलिंग में। पारस चांदी और पारे के मिश्रण से बना हुआ होता है। पारस शिवलिंग की पूजा करने से न केवल आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि लक्ष्मी माता की भी आप पर कृपा बनी रहेगी। साथ ही शिवलिंग की पूजा करने से तरह के जो दोष होंगे, या कहते हैं जो निगेटिविटी, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, उनकी पूजा करने से क्या होता है। तो भगवान शिव की प्रिय धातु है पारा, और चांदी के सम्मिश्रण से बने पारा शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि एक पारस का शिवलिंग का अगर पूजन करने से सहस्र शिवलिंग के पूजन का फल मिलता है। तो देखिए, आप इतनी जगह नहीं जा पा रहे हैं तो एक छोटा सा पारस का शिवलिंग अपने घर में रखेंगे और पूजन करेंगे तो क्या, वाह, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। तो देखिए मित्रों, पारस के शिवलिंग की पूजा करने की जो विधि है मैं आपको सोच रही हूँ कि बता दूं। देखिए, शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई रूपों में पूजा करते हैं। इनमें से एक है पारद का शिवलिंग, जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने से धन धान्य, आरोग्य, पद प्रतिष्ठा, सुख शांति की प्राप्ति होती है।
पारस शिवलिंग की पूजा करने से कई फायदे होते हैं, लेकिन हाँ ये सच भी है कि आपको पारस शिवलिंग की पूजा करने की सही विधि भी पता होनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य काल प्राप्त होता है उतना ही पुण्य पारस शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। कहा जाता है कि 9 ग्रहों में से जो अनिष्ट प्रभाव का डर रहता है, आपके कुंडली में जो अभी मैंने कहा था कि कोई दोष होते हैं, राहु केतु का दोष है, शनि का दोष है, कोई भी ग्रह जो आपके जीवन में परेशान कर रहे हैं, कोई अनिष्ट की आशंका है, कोई डर है, तो पारद के शिवलिंग के पूजन से उससे मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, पारद का शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति को भी संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं संतान का, तो अब मैं कहूँगी कि इस समय में सावन में अगर ये पूजा आप उठा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जैसा कि मैंने अभी पिछला वीडियो जो चैनल पर डाला उसमें एक हेडिंग में लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि खाली सिर्फ अपनी पूजा में पार्वती की शिवलिंग की आपको क्यों दिखाऊं, मैं आपको इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी ही दे दूं। ठीक है, तो इससे आपको संतान रखने की प्राप्ति भी होगी। मान्यता है कि जिस घर में पार्वती का शिवलिंग होता है उस घर में रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है, साक्षात भगवान जी शिव जी की कृपा वहां पर होती है। शास्त्रों की माने तो जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं आ पाती है। तो अगर आपका काम काज रुका हुआ है, ब्लॉकेज आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, कोई समस्या है आपके सामने और तबीयत में गड़बड़ चल रही है, तो देखिए आप जरूर पारद के शिवलिंग की पूजा कीजिए। और स्वास्थ्य के हिसाब से ये भी माना जाता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम है बीमारियों से लड़ने में, तो अगर पारस के शिवलिंग की आप पूजा करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत मददगार होता है। यहाँ तक कि अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई यौन समस्या भी आपके साथ है, तो उसमें भी आपकी क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो। अगर आपके विवाह में कोई अड़चने आ रही हैं, मित्रों कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हों तो राशि के अनुसार अगर आप इसका उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो भी दूर होता है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि पारस का शिवलिंग का अभिषेक करने पर तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाते हैं। तो अगर जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ज़्यादातर लोगों को डर लगा रहता है किसी ने कुछ काला जादू कर दिया, कोई प्रॉब्लम कर दी, तो आप पारस का शिवलिंग मंगाएं। और इसीलिए मैं जहाँ से मैंने मंगवाया है मैं उनका नंबर यहाँ आपको दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको सही चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स रहता है क्या रहता है, लेकिन यहाँ पर मुंबई में ही एक शॉप है जो इन्हीं चीज़ों की, जहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। और मेरी मित्र हैं जो पारस का शिवलिंग है उसको मंत्र से जागृत करके फिर आपको देंगी, ठीक है। तो मैं शावी शुक्ला का नंबर यहाँ पर दे दूंगी वीडियो में, आप उनसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ। तो देखिए मैंने कहा था वास्तु दोष दूर होता है। पारस के शिवलिंग के बारे में अगर बात कहें तो आपको बता दूं कि ये पारा का बना होता है। पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो सामान्य स्थिति में भी द्रव रूप में रहता है, और हम सभी इसका प्रयोग आमतौर पर शरीर के तापमान को नापने के लिए करते हैं। जो आपको थर्मामीटर में चमकता हुआ दिखाई देता है वही पारा धातु होता है। इसी पारे से निर्मित पारस का शिवलिंग का निर्माण होता है, इसीलिए पारे को विशेष प्रतिक्रियाओं द्वारा शोधित किया जाता है जिससे यह ठोस बन जाता है, फिर तत्काल उसके शिवलिंग बना लिए जाते हैं। देखिए बाजार में कई तरह के शिवलिंग दिखते हैं जिसमें असली पहचान करना बेहद मुश्किल है। आज हम आपको 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिसमें आपको असली पारस का शिवलिंग पहचान करने में मदद मिलेगी। असली पारद के शिवलिंग की पहचान करने के लिए इसे हथेली पर घिसा जाए तो किसी किस्म की कालिख नहीं आती। वही ध्यान रखें कि जब असली पारद शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा जाती है। वहीं अगर लैब में टेस्ट करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता, सिक्का और कलई ये धातुएं आ जाएं तो पारद शिवलिंग नकली और दोष युक्त होता है, क्योंकि रस शास्त्र में इस धातुओं को पारस के साथ दोष माना जाता है। अब आइए चलिए पूजा विधि बताती हूँ आपको। अब बात करते हैं पारस शिवलिंग की पूजा विधि की, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े में आसन पर रखना चाहिए और खुद
पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। यही नहीं, पूजा सामग्री में जल, गंगा जल, रोड़ी, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाएं, जिसके बाद थोड़ा सा जल लेकर 3 बार मंत्र पढ़कर उच्चारण कर उसे पी लें। प्रथम बार ओम मृत्यु भंजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम शिवाय नमः। ऐसा करने के बाद अब हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप 5 बार बोलें। फिर चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वती नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करें। फिर मौली को और उसके बाद जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने के बाद आप हल्दी और चंदन का तिलक लगा सकते हैं। चावल अर्पण करें, इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। प्रसाद के रूप में मीठे का भोग भी लगाएंगे आप, वो तो आप कुछ ना कुछ अपने अनुसार आप जो अच्छा लगे वो अच्छा बनाकर भोग लगाइए भगवान को। और इसके साथ ही साथ भांग, अतुरा, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस तरह शिवलिंग की पूजा करने वाले जो भी आप ये पूजा करेंगी उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ऐसा है। अगर आप पूजा पाठ या कुंडली से संबंधित देखिए कोई भी जानकारी भी लेना चाहते हैं, मैं पूजा पाठ देखिए मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये मानती हूँ कि डिवाइन से आपका आत्मिक कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर आपका जोड़ होना चाहिए। डिवाइन आपसे प्रेम करें, आप उनसे प्रेम करें, और वहाँ पर आप अपना दिमाग ना चलाएं, उनको आप टोटली समर्पित करें। लेकिन उसके बाद भी कहूँगी कि अगर आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरी कुछ मिनिमम फीस है। आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasinghact80@gmail.com। तो चलिए जाते जाते कहूँगी कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और सावन के महीने में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन मैं कहूँगी कि भोलेनाथ की शरण में जाइए, खुद का समर्पण कीजिए, और सावन महीने में जो मांगना है मांग लीजिए, ज़रूर पूरा होता है। मैंने स्वयं करके देखा है।